गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 24, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर? अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. सी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स. सम वर्ड्स साउंड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, THEIR देयर एंड THERE देयर. ठीक है, सम वर्ड्स साउंड द सेम, इसका मतलब है कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, जिस तरह से ये दो वर्ड हैं देयर देयर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होने के बाद उनका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है. ठीक है, मैं और एक एग्जांपल आपको देती हूँ. जैसे RIGHT राइट और WRITE राइट, राइट राइट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है. RIGHT राइट मतलब दाहिना और WRITE राइट मतलब लिखना. सर्कल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है क्योंकि दो वर्ड आपको ऐसे दिए हैं जो बिल्कुल जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसीलिए हमें पहले मीनिंग समझना है, बाद में करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. माय पेरेंट्स टोल्ड मी टू सेल सेल माय बाइसिकल. सो माय पेरेंट्स टोल्ड मी टू सेल माय बाइसिकल, ये सेल का मीनिंग होता है बेचना. ठीक है, और ये जो सेल है इसका मीनिंग होता है बैटरी या फिर कोशिका. नेक्स्ट, आई स्पेंट 8 rupees टू बाय सम टॉफीज. 8 मतलब 1, 2, 3, 4 जो नंबर होता है 8 वो, एंड 8 मीन्स खाना, खा लिया. तो यहाँ पर ये सही है, 8 rupees. सुभाष वन द फर्स्ट प्राइज एट द इवेंट. देखो, ON1 ये नंबर है और WON1 मतलब जीतना, हासिल करना, तो प्राइज जीता जाता है, इसीलिए सुभाष वन द फर्स्ट प्राइज एट द इवेंट. बोट्स सेल ऑन द सी, ये सेल नहीं आएगा, SAIL सेल. बोट्स सेल ऑन द सी. मदर रीच होम फ्रॉम वर्क एवरी लास्ट वेरी लेट लास्ट नाइट. ये भी नाइट है और ये भी नाइट है, लेकिन ये यहाँ पर करेक्ट है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में उगता है. ठीक है, सन मतलब सूरज और ये सन मतलब लड़का. आई वेंट टू द बार्बर टू कट माई हेयर, ये हेयर मतलब खरगोश और ये हेयर का मीनिंग है बाल. आई पिक अ रोज एंड पुट इट इन माई हेयर. रोज, ROSE रोज मतलब गुलाब, ROWS रोज मतलब कतार, लाइन. नाउ सी राइमिंग वर्ड्स. राइट द वर्ड्स दैट डू नॉट राइम इन द बास्केट. नीचे ये जो वर्ड्स दिए हैं इसमें से 3 वर्ड्स राइम हैं और उस एक वर्ड राइम नहीं है, उसे हमें ढूंढकर इस बास्केट में उसका नाम लिखना है. लाइट ब्राइट एट साइट, विच आर द राइमिंग वर्ड्स? दिस 3, लाइट ब्राइट साइट, ये 3 राइमिंग वर्ड्स हैं और 8 ये डिफरेंट है, ये इनके साथ राइम नहीं होता है, इसीलिए 8 ये वर्ड को हम बास्केट में पुट करेंगे.
सी 8। ठीक है, सेम इसी तरह सेकंड में ग्लास वॉश क्लास ग्रास 1 2 3 दिस थ्री आर राइमिंग वर्ड्स एंड दिस इज नॉट वॉश सो वी विल पुट दिस वर्ड इन द बास्केट वॉश सी WASH वॉश। थर्ड वन क्राउन फाउंड साउंड हाउंड ये थ्री राइमिंग वर्ड्स हैं और ये वर्ड अलग हैं इसीलिए इस वर्ड को बास्केट में रखते हैं क्राउन। पाइन फाइन चाइम क्लाइम क्लाइम इज डिफरेंट तो इसीलिए इसको बास्केट में रखा। क्वेश्चन सी अपोजिट्स ऑफ वर्ड्स कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन द क्लूज। ये पजल हमें कंप्लीट करनी है। अपोजिट ऑफ वीक देखो अक्रॉस अक्रॉस मतलब ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये वर्ड्स आएंगे। डाउन मतलब ऐसे इस तरह की डाउन पोजीशन में अपोजिट ऑफ वीक। अब ये STRONG स्ट्रॉन्ग वीक का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। अपोजिट ऑफ हैप्पी यस सैड तो सेकंड नंबर अक्रॉस SAD सैड। अपोजिट ऑफ लेफ्ट लेफ्ट अपोजिट राइट सो हियर RIGHT राइट। अपोजिट ऑफ स्लो यस FAST फास्ट स्लो अपोजिट फास्ट। अपोजिट ऑफ ओल्ड यस अपोजिट ऑफ ओल्ड न्यू सॉरी ओल्ड का अपोजिट न्यू होता है लेकिन यहाँ पर एज के हिसाब से हमें कंसिडर करना है। ओल्ड मतलब बुजुर्ग और उसका अपोजिट यंग YOUNG यंग। नाउ अपोजिट ऑफ न्यू ये देखो न्यू का अपोजिट ओल्ड न्यू मतलब नया ओल्ड मतलब पुराना। अपोजिट ऑफ टॉल देखो सेकंड नंबर पर डाउन टॉल का अपोजिट शॉर्ट SHORT शॉर्ट। अपोजिट ऑफ स्टॉप स्टॉप मतलब रुकना स्टॉप का अपोजिट वर्ड गो सी GO गो गो मतलब जाना। देन अपोजिट ऑफ थिन THIN थिन थिन का अपोजिट वर्ड नंबर 4 सी FAT फैट थिन मतलब पतला फैट मीन्स मोटा। देन अपोजिट ऑफ डिफिकल्ट डिफिकल्ट मतलब कठिन मुश्किल उसका अपोजिट वर्ड आएगा ईजी ईजी मतलब आसान सी ESY ईजी। नाउ वर्ड्स विथ सेम मीनिंग लुक एट दिस वर्ड्स मेक 10 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए हैं इसमें से सेम मीनिंग वाले वर्ड्स की पेयर हमें ढूंढनी है। वन हैज़ बीन डन क्लेवर स्मार्ट दोनों का मीनिंग सेम है
क्लेवर मतलब होशियार, स्मार्ट मतलब भी होशियार, टैलेंटेड। तो ऐसे ही हमें पेयर्स ढूंढने हैं, सेम मीनिंग वाले पेयर्स। बिगिन स्टार्ट, बिगिन मतलब शुरू करना, स्टार्ट मतलब भी शुरू करना। देन बिग, बिग और इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड ह्यूज, बिग एंड ह्यूज। तो यहाँ पर बिग कॉमा ह्यूज, बिग मतलब बड़ा, ह्यूज मतलब भी बड़ा। क्विक फास्ट, क्विक मतलब जल्दी, फास्ट मतलब जल्दी। साइलेंट क्वाइट, दोनों का मीनिंग होता है शांत। स्टोरी टेल मतलब कहानी। अमेजिंग वंडरफुल, आश्चर्यजनक। नीट टाइडी मतलब साफ सुथरा। आईसी कोल्ड ठंडा। बिल्ड मेक मतलब बनाना। सीक्रेट वर्ड्स, फाइंड टू और मोर सीक्रेट वर्ड्स दैट आर हिडन इन दीज वर्ड्स। देखो ये एक वर्ड है GOLDEN, गोल्डन। ये वर्ड के लेटर यूज करके हमें दूसरे नए वर्ड्स बनाना है, ठीक है। गोल्डन, इसमें से ही हमें लेटर लेना है, आगे पीछे ले सकते हैं। अब गोल्डन से GOLD गोल्ड, ये एक अलग वर्ड बनेगा GOLD गोल्ड। उसके बाद DEN डेन, OLD ओल्ड, ये एक वर्ड बनेगा। GOGO, इस तरह से आपको वर्ड्स बनाने हैं, गोल्ड ओल्ड डेन गो। अब एड्रेस, एड्रेस में ADD एड, ये एक सेपरेट वर्ड ले लिया, DRESS ड्रेस, ठीक है। मदर, इसमें से MOTH मोट, इसका मीनिंग होता है इंसेक्ट, मोट मतलब इंसेक्ट। देन HER हर, अदर, द। येल्लो, YELLOW येल्लो, इससे बनेगा YELL येल, LOW लो। येल मतलब चिल्लाना। प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ले राउंड। न्यू वर्ड्स, लुक एट दिस वर्ड्स, यूज द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड्स टू मेक एज मेनी न्यू वर्ड्स एज यू कैन। टीच, क्या करना है हमें, ये वर्ड से लेटर लेकर जितने हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं उतने हमें बनाने हैं। टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स, देन फोर लेटर वर्ड्स, फाइव और मोर लेटर वर्ड्स। हम दो लेटर वाले शब्द, तीन लेटर वाले, चार लेटर वाले, फाइव या फाइव से ज़्यादा लेटर वाले वर्ड ऐसे अलग अलग कॉलम में बनाकर लिखने हैं। टीच, अब टीच से टू लेटर वर्ड्स दो बन गए, HEAT, उसी तरह से थ्री लेटर वर्ड्स बने हैं TEAT, CAT, HAT, EACH, HEAT, CHAT, AKE। फाइव लेटर वर्ड है चीट। अब बास्केटबॉल, ये लेटर यूज करके न्यू वर्ड्स बनाए हैं, ये देखो, ऑल, बैट, टैब, आस्क। बॉल, टेक, टास्क, बास्क, बैट्स। स्टॉल, बेक्स, टेक्स, स्केट, टेबल। इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप ऐसा गेम भी खेल सकते हो आपके फ्रेंड के साथ, एक वर्ड लेना और उस वर्ड से ज़्यादा वर्ड बनाने की कोशिश करना।
एलिफंट, इससे बनेंगे एंट, हैट, लैप, लीप, हेट, हेल्प, नीट, पील, प्लेट, स्ट्रॉबेरी, बैट, रे, वे, स्टार, स्टे, रेस्ट, बेस्ट, स्ट्रॉ, वेस्ट, वाटर, ब्रेस्ट। क्वेश्चन जी, साउंड वर्ड्स, से द साउंड वर्ड्स अलाउड, देन लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच इट टू द करेक्ट साउंड्स। ये सारे साउंड वर्ड्स हैं रंबल, इसे हमें करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करना है। रंबल, अब रंबल का मीनिंग होता है गड़गड़ाहट, आकाश में गड़गड़ाहट होती है ना बारिश के मौसम में, तो उसके लिए ये पिक्चर है सी नंबर का, रंबल को मैच करना है इसके साथ, ठीक है। देन व्हिसल, अब व्हिसल मतलब सीटी बजाना, व्हिसल ये मैच होगा जी के साथ, जी ये देखो व्हिसल, सीटी की आवाज आ रही है। एकू, एच देखो यहाँ पर, ये जो बजा रही है उस आवाज़ को कहते हैं एकू। देन झूम, एफ, झूम को मैच करना है इसके साथ, एफ नंबर। ये कार जब चलती है तब ये झूम इस तरह का आवाज़ होता है। टिक टॉक, फाइव नंबर, बी, ये टिकटॉक बी नंबर वाले पिक्चर के साथ मैच होगा। यहाँ पर ये क्लॉक है, क्लॉक टिकटॉक आवाज़ करती है, ठीक है। बज, अब ये भी वॉइस है, बज आवाज़ है, किसकी है, ये इस इंसेक्ट की। क्लिक, ये देखो कैमरा से हम फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्लिक ये पिक्चर के साथ मैच होगा। रोअर, यस यू नो, रोअर लायन, लायन रोअर्स लाउडली, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर चैप्टर 24 इज कंप्लीटेड, बाय एवरीवन।